जय महाकाल दोस्तों, हमारे चैनल आयुर्वेदा ज्ञान एवं तंत्र मंत्र में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। आज जो यह एक वनस्पति आपके बीच लाया हूँ, जिसके आप पुष्प देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत यह पौधा और जैसा नाम वैसा काम भी है। इस वनस्पति को गरुड़ का वृक्ष कहते हैं। अभी तो इसमें फलियाँ आई नहीं है, फलियाँ अगर आती तो ज़रूर दिखाता, लंबे लंबे फल इसके आते हैं। यह जो वनस्पति है विषनाशक है और समस्त प्रकार के जो गृह बाधा हैं, वास्तु दोष हैं, चाहे किसी तरह के आपको कोई शूद्र ग्रहों का भी प्रभाव है, तो इस वनस्पति को मात्र इसके जड़ को रवि पुष्यद नक्षत्र के दिन अगर लाकर धारण करते हैं तो समस्त तरह के जो भी उसके ऊपर अला बला है, तंत्र के दोष हैं, सभी समाप्त हो जाते हैं। यह वनस्पति का बहुत सारे ऐसे तंत्र में प्रयोग है। अगर इसकी कील को अपने मंत्रों से, बंदिश मंत्रों से या गारुड़ी मंत्रों से या धन्वंतरी मंत्रों से सिद्ध करके बंधन अगर किया रोगनाशक मंत्रों से, तो उस घर में किसी भी तरह का रोग बला जो है, जो लोग बार बार बीमार पड़ते या किसी तरह का उनके घर में उपद्रव रहता, वो सभी का नाश हो जाता है। यह हमारा प्रमाणित आजमाते हैं, हम लोग इसका प्रयोग भी करते हैं। यह जो वनस्पति है समस्त प्रकार के जितने भी शरीर की अशुद्ध जो भी तत्व है उसको बाहर कर देती है। इसके पत्तों को अगर पीसकर आप सेवन करते हैं तो समस्त आपके शरीर में जितने भी खराब पदार्थ हैं, जितने भी गंदगी है, सभी को बाहर कर देती है। कितने भी पुराने से पुराने घाव हैं, चाहे कितने भी पुराने फोड़े फुंसी हैं, वो सभी को यह ठीक कर देता है। यह प्रमाणित वनस्पति जो मैं आप सबों को दिखा रहा हूँ, इसकी अगर टहनी को भी अगर छोटे से टुकड़े करके लाल धागे में देकर धारण कर लेते हैं तो समस्त जगह में आपकी सुरक्षा भी होती है और समस्त तंत्र पर बाधाओं से भी आपको पूर्ण लाभ मिलता है। इस वनस्पति के पत्तों को अगर राख बना दिया जाए, लाल चंदन और हल्दी, कुमकुम और केसर मिला करके अगर इसका तिलक किया जाए तो ये सर्व आकर्षण करती है और जितने भी जंगम विष हैं, विषधर आपको काटता नहीं है। यह इसका चमत्कारिक योग है। इस वनस्पति का और भी ऐसे बहुत सारे तांत्रिक उपयोग हैं, बहुत सारे ऐसे तंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। घर बांधने में, घर की पाती देने में, जंत्र बनाने में, यंत्र बनाने में, बहुत सारे औषधीय प्रयोग में इसका उपयोग किया जाता है। मैं आशा करता हूँ ऐसे ही वीडियो आप सबों के बीच में प्रस्तुत करता रहूँगा। कोई भी ऐसी वनस्पति हो जो ना जानते हो तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं कि उसका उपयोग क्या है, क्या नाम है। मैं ज़रूर आपका कमेंट में जवाब दूंगा और आशा करता हूं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आए। और एक बताना चाहता हूं, जिन घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोगी रहते हैं, उस रोगी के ऊपर से इसके पत्तों को सुखाकर पाउडर बना ले, 7 बार उसके ऊपर उल्टा उतारा करके अगर जलाते हैं तो समस्त प्रकार की जो भी उसके ऊपर किया कराया या ग्रह दोष है या रोग है, वो देखेंगे कि धीरे धीरे उसके रोग जो है समाप्त होते जा रहे हैं। ऐसा प्रमाणित योग है। तो आशा करता हूँ हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या।